नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बैंगन का चक्का बनाना आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमने बेसन ले लिया है, चौरेठा ले लिया है, धनिया पत्ता, बैंगन को हमने गोल गोल पीस में काट लिया है, नमक, लाल मिर्चा, हल्दी और कूटा हुआ मिर्चा। तो चलिए हम गैस जला कर रख देते हैं इसे गर्म होने के लिए। उसके बाद में हम इसको मिला लेते हैं, धनिया पत्ता को मिला लेते हैं, उसके बाद में अब इसका हम घोल बना लेते हैं। अब मेरा बैंगन का बैंगनी बनकर तैयार हुआ। इसे सेलो फ्राई बैंगनी बनकर तैयार हुआ। इसे इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। ये ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है इसमें और बहुत आसानी से बन जाता है। खाने में भी टेस्टी लगता है, कोई ख़राबी नहीं करेगा। इस तरीके को अपनाइए और इसे बनाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।